Hello students, our next topic is graphical representation of displacement, velocity and acceleration in simple harmonic motion. देखो हमने displacement निकाल लिया है simple harmonic motion में, velocity और acceleration. तो consider करते हैं हम the displacement of simple harmonic motion at the instant t is given by कितना आएगा y equals to a sin omega t. ये हम कर चुके हैं पहले ही. इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, मीन्स ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. ठीक है, ऐसे ही हम वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी. ठीक है, अब डी वाई डी टी इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो साइन थीटा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. ए तो एम्पलीट्यूड है, फिक्स है, ये तो एज इट इज आ जाएगा. और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है होता है कोस थीटा. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस ओमेगा टी. अब टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो टी का तो वन आ जाएगा और जो ओमेगा है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आ गया इसका डिफरेंशिएशन. अब इसको हम लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस थीटा. ठीक, सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कोस थीटा को. ए ओमेगा साइन 90 मीन्स पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 प्लस थीटा. ठीक है, ये यूज किया हमने यहाँ पे. अब नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन निकालते हैं हम. एक्सेलरेशन क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स डी वी बाई डी टी. ठीक है, अब वी की वैल्यू क्या है हमारी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो डी बाई डी टी इंटू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमने, तो ए ओमेगा तो क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, इंटू कोस ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा. कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा, कोस थीटा डी बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा. ठीक है, और अगर थीटा यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी, तो टी के रेस्पेक्ट में है, तो टी से तो टी वन हो जाएगा और ओमेगा आगे आ जाएगा, तो कोस थीटा का क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा के क्या आ जाएगा, एक ओमेगा आगे आ जाएगी तो एक पावर ऐड हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा है, इसको साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, सेम है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 को हम पाई लिख सकते हैं, प्लस थीटा मीन्स ओमेगा टी, थीटा यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी. मीन्स हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180 या पाई प्लस थीटा, ये हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया हमारा, ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी. देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया था ये वन इक्वेशन मान लो, वेलोसिटी हमारी ये आई है टू इक्वेशन, और एक्सेलरेशन आ गई है थ्री इक्वेशन मान लिया. अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की. कब करनी है, अलग अलग टाइम पे, डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी पे. तो हमने मान लिया एट टाइम टी इक्वल्स टू, जो स्मॉल टी है वो टी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो है वाई इक्वल्स टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी है तो इसकी वैल्यू आई है यहाँ से ए कोस ओमेगा टी. ठीक है, मतलब कि हम सिंपल, ये तो वेलोसिटी की है, ए साइन ओमेगा टी यहाँ से है डिस्प्लेसमेंट की, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी, यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पे पुट करेंगे, ए साइन टू पाई बाई टी कैपिटल इंटू स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू हमने पुट कर दी जीरो, तो होल टर्म क्या आ गई, जीरो. इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट आया है कितना आ गया, जीरो एट टी इक्वल टू जीरो. ऐसे ही हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा साइन टू पाई बाई टी इंटू
यहाँ पे देखो टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई टी, कैपिटल टी, और इन टू टी की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो, और प्लस क्या आ गया, पाई बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल। अब देखो ये तो होल टर्म जीरो हो ही गई, अब क्या बच गया, ए ओमेगा साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो साइन 90 मीन्स इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू ए ओमेगा, तो क्या आ गई वैल्यू, ए ओमेगा। वी की वैल्यू क्या आ गई, ए ओमेगा कब आ गई, एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम हमारा यही फॉर्मूला ले लेंगे हम, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन पाई, और प्लस ओमेगा टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, टू पाई बाई कैपिटल टी, इंटू टी की जगह पे क्या पुट कर दिया, जीरो, ठीक है। तो ये कैंसिल आ जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो, तो ये तो है ही जीरो, लेकिन साइन 180 की वैल्यू भी क्या आएगी, साइन 180 इक्वल्स टू जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारी, जीरो कब आ गई, एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लेंगे, टी इक्वल्स टू टी बाई फोर ले लेते हैं, टी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, एट टी इक्वल्स टू टी बाई फोर, ऐसे ही टी इक्वल्स टू टू टी बाई फोर ले लेंगे, थ्री टी बाई फोर ले लेंगे, फोर टी बाई फोर ले लेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो, जैसे कि एक और मैं लिख के दिखा देती हूँ एग्जांपल, एक और जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये इसी इक्वेशन में हम टी की जगह पे क्या कर देंगे, टी बाई फोर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वाई आएगा, वाई इक्वल्स टू ए साइन टू पाई बाई टी इंटू टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, टी बाई फोर, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल, टू से टू ये आ गया, तो पाई बाई टू आ गया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ए साइन पाई बाई टू मीन्स ए आ गया, वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, ए, कब आ गया, जब टी इक्वल्स टू टी बाई फोर है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की। ऐसे ही हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेंगे, वेलोसिटी की इस इक्वेशन में ए ओमेगा साइन टू पाई बाई टी इंटू, यहाँ पे स्मॉल टी था तो स्मॉल टी की जगह पे क्या कर दिया हमने, टी बाई फोर, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो गया और ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो गया, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू 180, और साइन 180 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो, कब आ जाएगी, टी इक्वल्स टू जीरो, ये टी इक्वल्स टू टी बाई फोर पे, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन पाई प्लस टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, टी बाई फोर, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल, टू से टू, तो ये पाई बाई टू प्लस पाई, तो इसकी पाई बाई टू प्लस पाई की वैल्यू मतलब थ्री पाई बाई टू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, माइनस मतलब कि वन आ जाएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ए की वो कितनी आ गई, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मतलब कि ये वैल्यू हम ऐसे ही सिमिलरली हम पुट कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू टी, टू टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर, तो इस तरह से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एक जो वेव है वो कंप्लीट हो रही है, मीन्स यहाँ पे जीरो टाइम है, टी इक्वल्स टू जीरो, टी बाई फोर, इस तरह से ये टी, या फिर सिंपल ये हाफ वेव है तो ये जीरो, ये हाफ वेव है तो ये टी बाई टू, ये यहाँ पे टी टाइम ले लिया, तो ये कितना हो गया, टी बाई फोर टाइम, और ये कितना हो गया, थ्री टी बाई फोर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग उस पर हम लिख लेते हैं।